वेलकम बैक टू माई डेली फूड ब्लॉग। आज हम लोग एक मिक्स वेजिटेबल्स बनाने वाले हैं जो कि एकदम सूखा सब्जी होगा रोटी के साथ खाने के लिए, जो कि बहुत बढ़िया लगता है। और सारे तरीके का वेजिटेबल्स आप इसमें दे सकते हैं और अपने हिसाब से कोई भी वेजिटेबल्स अपने पसंद का थोड़ा सा चेंज इधर उधर कर भी सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ वेजिटेबल्स। मैंने यहाँ पर ले लिया है फूल गोभी, अभी सीजन चल रहा है, ठंड थोड़ा थोड़ा सा आने लगा है, तो ले लेते हैं फूल गोभी। अच्छी तरह से छोटा छोटा करके पीस करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ताकि हम लोग का जो वेजिटेबल है ना बहुत जल्दी बन भी जाए। तो फूल गोभी को हम अच्छी तरह से देख ले रहे हैं कीड़ा है या नहीं, और इसको अभी साफ़ करके एकदम छोटा छोटा पीस करके काट लेते हैं। अभी डालेंगे इसमें एक कच्चा केला। कच्चा केला का जो छिलका है वो इसके एकदम अच्छी तरह से निकाल लेना है, और छिलके को निकालने के बाद इसको भी छोटा छोटा पीस करके काट लेंगे। सारे सब्जियां जो ना तो एक ही साइज़ का बनना चाहिए, तो क्या होगा तो सब्जी जो है वो एक ही साथ बहुत अच्छी तरह से गल भी जाएंगे सारे सब्जी। ये सब्जी का कटिंग अगर सेम हुआ तो खाना देखने में भी बहुत बढ़िया लगता है। अब इसमें ऐड करते हैं पम्पकिन। पम्पकिन का भी छिलका निकाल देंगे और उसको भी सेम साइज़ छोटा छोटा टुकड़ा उसका भी कर लेते हैं। और अभी इसके साथ फाइनली ऐड कर देंगे एक छोटा सा आलू, और आलू को भी छोटा छोटा पीस करके काट लेते हैं। अब ये कढ़ाई में तेल डाल देते हैं। मैंने यहाँ पर वाइट ऑयल ही यूज़ किया, आप चाहे तो सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। तेल जैसे गर्म हो जाता है डाल देंगे हरी मिर्च जो बीच में से चीरा लगा हुआ है, डालेंगे यहाँ पर 5 फ़ोरन, और सारे मसाले जैसे थोड़ा सा चटकने लगे ऐड कर देंगे सारे वेजिटेबल्स। अभी सारे वेजिटेबल्स को थोड़ा सा चला लेना है और अच्छे से कर देंगे मिक्स। ऐड कर देते हैं स्वाद अनुसार नमक, साथ ही डाल लेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और इस सब्जी को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा फ्राई, ताकि इसका जो कच्चा फ्लेवर आता है ना वो थोड़ा सा निकल जाए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 3 मिनट ही लगता है। तो देख पा रहे हैं फ्राई हम लोग का ऑलमोस्ट हो चुका है। तो अभी इसमें डालेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा पानी, और उसके बाद इसको कवर करके कुक करेंगे 4 से 5 मिनट, ताकि जो सब्जी है ना अच्छी तरह से गल जाए। अभी यहाँ पर ऐड कर देंगे पालक साग। ये पालक का साग भी सीजनल है, और उसको भी इसी में ऐड कर देते हैं और सब्जियों के साथ अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स। ऐड करते हैं कुछ सूखे मसाले। तो ऐड किया है थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे, और इस मसाले को सब्जी के साथ बढ़िया से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा कुक कर लेंगे, ताकि ये जो मसाले का फ्लेवर है ना ये सब्जी में बहुत बढ़िया से आ जाए। दोबारा ऐसा कवर करके कुक करेंगे, ताकि ये जो साग है वो भी बढ़िया से गल जाए। हम देख पा रहे हैं हम लोगों जो आलू और पम्पकिन बाकी सारे जो सब्जी हैं हार्ड वेजिटेबल्स वो सारे बढ़िया से एकदम गल चुके हैं। अभी कुछ नहीं करना, अभी इसको बढ़िया से कर लेंगे फ्राई, थोड़ा सा पका लेंगे। नमक को चेक कर लेंगे, थोड़ा सा कम हुआ तो ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक, और नमक को भी बढ़िया से इसके साथ मिक्स कर देंगे। जैसे हम लोग का सब्जी 80% ऑलमोस्ट कुक हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ का एक ही लिया है, जो कि एकदम बढ़िया से बारीक बारीक करके मैंने काट लिया है। टमाटर को भी बढ़िया से एकदम इसके साथ मिक्स कर देते हैं, और टमाटर को एकदम छोटा करके ही काटिएगा, क्योंकि एकदम लास्ट में है और टमाटर जल्दी से गल भी जाएगा। इसके लिए इसको भी कवर कर देते हैं 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट में हम लोग टमाटर भी गल जाएगा, बाकी का सब्जी जो 80% कुक हुआ था वो भी बढ़िया से गल जाएगा। देख पा रहे हैं सब्जी का टेक्सचर ऑलरेडी एकदम टूट चुका है, मतलब सब्जी बढ़िया से ऑलरेडी गल चुका है। चलिए, हम लोग का सब्जी ऑलरेडी रेडी है, तो इसको निकाल लेते हैं। तो इसको आप इंजॉय कर सकते हैं रोटी, पराठा, पूरी या तो राइस से भी ये बहुत बढ़िया लगता है। तो आज का रेसिपी आप लोग को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा करके शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और नए सब्सक्राइबर्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।